देश में हर साल हजारों शादियां होती हैं, लेकिन कपल्स अपने हनीमून का प्लान शादी से कई महीने पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से वो कुछ ऐसे प्लेसेस की तलाश करते हैं जहां पर वो अपने पार्टनर के साथ एक काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। बाहर के देशों में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी हनीमून पर जाने का ट्रेंड परसों से चला आ रहा है, और अपने इस मौके को खास बनाने के लिए कपल्स अपने लिए हर एक चीज परफेक्ट चाहते हैं, जिसमें परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन सबसे ऊपर होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे इंडियन डेस्टिनेशंस जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर जा सकते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गोवा। गोवा इंडिया की एक ऐसी जगह है जो कि इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। गोवा हर चीज के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप सोलो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। गोवा हनीमून के लिए भी काफी अच्छी डेस्टिनेशन है, जिसको बहुत से कपल्स अपने हनीमून के लिए सेलेक्ट करते हैं। गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां के सीनिक बीचेस पर आप अपने पार्टनर के साथ एक काफी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, और यहां पर होने वाला सनसेट भी आपको एक रोमांटिक फील देता है, और आपको यहां पर इवनिंग के वक्त काफी कपल्स नजर आ जाएंगे। ये जगह ऐसी है जहां पर आप अरेबियन सी के व्यू और वाटर स्पोर्ट्स को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यूली वेड कपल हैं, तो हम आपको यहां पर विजिट करने के लिए रेकमेंड जरूर करेंगे। नंबर 2, कश्मीर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको देखने के लिए हर साल यहां पर हजारों कपल्स आते हैं। नॉर्थ इंडिया की ये जगह वर्ल्ड में एक आइडियल हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में फेमस है, जिसको विजिट करने के लिए हर साल नहीं सिर्फ इंडिया से कपल्स आते हैं बल्कि बाहर से भी बहुत से कपल्स यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ के ब्यूटीफुल हिल्स और वैलीज उन्हें अट्रैक्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप अपने हनीमून के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ एक बेहतरीन वक्त बिता सकें, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 3, लोनावला खंडाला। लोनावला खंडाला महाराष्ट्र का एक पिक्चरेस्क हिल टाउन है और न्यूली वेड कपल्स का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन भी। ये जगह अपने ड्रीमी, सीनिक और मेस्मराइजिंग साइट्स और पैनोरामिक ग्लिम्पसेस के लिए जानी जाती है, जिसको देखने और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत से न्यूली वेड कपल्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ की सीनिक हिल्स के साथ साथ यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ वाटरफॉल्स, सीनिक लेक्स और ओल्ड केव्स को भी देख सकते हैं, और यहाँ वो सारी चीजें हैं जो किसी भी रोमांटिक कपल को पसंद आती हैं। नंबर 4, सोलांग वैली। दो लोगों के प्यार और मिलन का जश्न मनाने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि सोलांग वैली में हनीमून हॉलीडे स्पेंड किए जाएं। इस जगह का रोमांटिक वेदर और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आपके रोमांटिक मूड को काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और इसी वजह से हर साल यहाँ पर काफी लोग अपने पार्टनर्स के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी टूरिस्ट, ये प्लेस एक फेमस हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। नंबर 5, मसूरी। मसूरी इन लोगों के लिए काफी अमेजिंग और रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन है, जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की तमन्ना रखते हैं, और इनमें न्यूली वेड कपल्स भी शामिल हैं। ये जगह ऐसी है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून और साथ ही फैमिली के साथ भी एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। यहां पर कपल्स यहां के गशिंग वाटरफॉल्स, व्यू पॉइंट को विजिट और यहां की वाइब्रेंट मार्केट्स में शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर 6, उदयपुर। द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर अपने कमाल के टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ पर कपल्स अपने हनीमून को एंजॉय करना काफी पसंद करते हैं। जो कपल हिल्स और माउंटेन्स पर जाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो इस जगह को अपनी ट्रेवल लिस्ट में ऐड जरूर करें। सिर्फ हनीमून ही नहीं बल्कि यहाँ पर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लान करते हैं, जिसका रीजन है यहाँ के पैलेसेस का अफोर्डेबल होना। और अगर आप भी अपने हनीमून के लिए हिल स्टेशन, बीचेस और वैली से कुछ अलग तलाश कर रहे हैं, तो उदयपुर को अपनी लिस्ट में ऐड जरूर करें। नंबर 7, शिमला। शिमला बरसों से कपल्स की फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक बनी हुई है, जहां पर कपल्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। शिमला में वो सब चीजें हैं जो किसी भी तरह के कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस सिटी का चार्म, मेस्मराइजिंग पैनोरामिक व्यूज, कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स और ब्यूटीफुल वेदर को एंजॉय करने के लिए
हर साल यहाँ बहुत से कपल्स पहुँचते हैं। इन सभी के अलावा यहाँ पर आप यहाँ के माइटी पीक्स, लश ग्रीनरी, कोजी कॉटेजेस और फ्लोर एंड फौना को भी अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड एक ऐसी जगह है जहाँ पर न्यूली वेड कपल्स जाना काफी पसंद करते हैं। ये प्लेस उन आइडियल प्लेसेस में से एक है जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी विजिट कर सकते हैं। दार्जिलिंग एक छोटी सी सिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि यहाँ पर हर साल काफी कपल्स यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ विजिट करने का एक एडवांटेज ये भी है कि आप इस जगह को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ पर कपल्स का आना जाना कम नहीं होता है। और अगर आप अपने हनीमून का प्लान बना रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ फ्रीली घूम सकते हैं और यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ चाय पीते पीते यहाँ की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। नंबर 9, ऊटी। ऊटी तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है जहाँ पर लोग जाना काफी पसंद करते हैं। ये जगह भी न्यूली वेड कपल्स के बीच में काफी फेमस है, और अगर आप अपने हनीमून के लिए कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है। आपको साथ में ये भी बता दें कि पहला नशा और यह हसीन वादियां जैसे सॉन्ग्स यहीं पर शूट किए गए थे, जिनको कपल्स का लव एंथम भी कहा जाता है। और अगर आपने इन दोनों सॉन्ग्स में से किसी भी सॉन्ग को सुना है तो आप इस जगह की खूबसूरती से वाकिफ होंगे। हमेशा से ही बॉलीवुड इस जगह को प्यार का सिंबल दिखाता आया है, तो बिना किसी देरी के आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर जरूर जाएं। नंबर 10, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार सभी कपल्स के लिए काफी इम्प्रेसिव डेस्टिनेशन है, जिसको लोग हनीमून पर विजिट करना काफी पसंद करते हैं। यहाँ के बीचेस पर वो अपने पार्टनर के साथ इवनिंग के टाइम पर एक सीरीन वॉक पर जा सकते हैं, जो कि काफी रोमांटिक फील देता है, और साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं, जो कि आपके हनीमून को और भी एक्साइटिंग बना देगा। तो ये थी कुछ इंडियन डेस्टिनेशंस जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर जा सकते हैं। आपका इन प्लेसेस को लेकर क्या सोचना है बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग।